का नाम दे दिया ना महत्व माने महत्व माने महत्व जिसका बहुत महत्व है, और रानी माने रानी कैसी रानी जिसका बहुत महत्व है, वो अगर ना आई होती वो अगर नहीं आई होती उसने पहले कदम ना बढ़ाया होता तो जगदम्बा भी नहीं आई होती क्या? पहले कौन निकलती है? हाँ, काली नदी निकलती है। यज्ञ के आदि में जो मैत्रानी का पार्ट था वो ही एडवांस के आदि में काली नदी का पार्ट है, इसलिए यमुना को सूर्य पुत्री कहा जाता है। यज्ञ के आदि में जो ओम मंडली बनी थी उस ओम मंडली में झगड़ा पैदा हुआ या नहीं? जो झगड़ा पैदा करने वाले होते हैं, झगड़ा कराते हैं, वो अंदर के होते हैं या बाहर से आते हैं? दुश्मन अंदर हैं या बाहर होते हैं? अंदर से झगड़ा करने वाले पैदा हुए तो दो पार्टियां उस समय प्रसिद्ध हो गई, एक ओम मंडली और एक एंटी ओम मंडली। क्या? जब एंटी ओम मंडली नहीं निकली तो ब्रह्मा बाबा के लड़ाई झगड़े के संस्कार हैं या नहीं है? 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 ब्रह्मा बाबा के लड़ाई झगड़े के संस्कार थे? नहीं थे। जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तो ब्रह्मा बाबा रोने लगे तो लड़ाई झगड़ा वो देखना भी नहीं चाहते थे। जब ज्यादा शोर शराबा बढ़ने लगा तो ब्रह्मा बाबा छोड़ छाड़ करके कहाँ चले गए? कराची। फिर कोर्ट कचहरी का झगड़ा चलता रहा, झगड़ा इतना बड़ा कि जितने भी सत्संग में जाते थे वो सब तालों में बंद कर दिए गए। ब्राह्मणों की दुनिया में ही दो पार्टियां हुई, उस समय सिंध हैदराबाद की आबादी कितनी थी, पॉपुलेशन वो 9 लाख पॉपुलेशन कौन सी आत्माएं थी?
सतयुग के आदि जन्म में आने वाली वही 9 लाख आत्माएं, वो अंतिम जन्म में कहां जाके जन्म लेती है, है? सिंध हैदराबाद में, या तो उनका कनेक्शन होता है वहां, जन्म न भी लें। तो देखो सिंध हैदराबाद भारत के पश्चिम में है या पूरब में? पश्चिम में। तो सूर्य का उदय कौन सी दिशा से होता है? भारत के पूरब में कलकत्ता, जहां बनियन ट्री की यादगार है, जहां ज्ञान का बीजारोपण होता है, ज्ञान सूर्य उदय होता है, और उदय हो करके फिर कहां अस्त होता है? है? नहीं, पश्चिम में जाके अस्त होता है, सिंध हैदराबाद। तो 2 रूप हो गए, पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता। पूर्वी सभ्यता में बंगाल गया, जहां के लिए अभी भी बोला हुआ है जगतवाणी में कि दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, और आवाज फैलाने में कौन सा शहर आगे जाएगा? कलकत्ता आगे जाएगा। बाप को प्रत्यक्ष कौन करेगा? जो आवाज फैलाएगा तो प्रत्यक्ष करेगा। तो बाप की प्रत्यक्षता दुनिया के बड़े बड़े धनी मानी लोग करेंगे, मल्टी मिलियनायर्स करेंगे, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे, या ब्राह्मणों की दुनिया का कोई खास ऐसा संगठन निमित्त बनेगा? जिसका बीज पड़ता है बंगाल में, व्यक्तवाणी में बोला इस रथ को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से। तो निमित्त तो बनना पड़ता है। बाप की प्रत्यक्षता की आवाज बच्चों के द्वारा होगी या दुनियावी मनुष्यों के द्वारा होगी? है? बच्चों के द्वारा होगी। वो भी बता दिया कि और तरीका क्या होगा, तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे धर्म पिता है महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनकी अव्यक्त स्टेज वाला चेहरा इनके इन धर्म पिताओं को प्रत्यक्ष करता रहा, ऐसे ही उन धर्म पिताओं का बाप, जो बापों का बाप कहा जाता है,
वो बाप को प्रत्यक्ष करेगा, जो आत्माओं का बाप है उसको। उदय की यादगार है, सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूरब से। अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में। माउंट आबू में दोनों ही यादगारें बनती हैं। पहले पहले कौन सी यादगार हुई? सनसेट पॉइंट, सूर्यास्त की यादगार बनी। तो सूर्य अस्त हुआ तब बनी, या अस्त होने को आया तब बनी है? सूर्यास्त होने के बाद प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य के अस्त होने के बाद यादगार बनी, या सूर्यास्त होने के साथ साथ यादगार बनी? साथ साथ यादगार बनी। ऐसे ही अभी माउंट आबू में सनराइज पॉइंट भी तैयार हो रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी पॉइंट हैं? तो सनराइज के निमित्त तो कोई बनता होगा और सूर्यास्त के निमित्त भी कोई है बनता होगा। तो कौन है सूर्यास्त के निमित्त और कौन है सूर्य उदय होने के निमित्त? है उदय होने के निमित्त प्रजापिता, और अस्त होने के निमित्त ब्रह्मा। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा की कोई मूर्तियां नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं। सूर्य अस्त करने के निमित्त बन गया। ब्रह्मा कुमार कुमारों ने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, नाम डुबो दिया। तो ये दोनों हस्तियां एक दूसरे के क्रास में जाती हैं। ये खेल है। क्या राम और रावण का खेल है? बाप और बेटे का खेल है? सतयुग के आदि में, नई सृष्टि के आदि में ये बाप और बेटे मिलकर के एक हो जाते हैं विष्णु, और कलयुग के अंत में एक दूसरे के क्रास में आ जाते हैं। राम रावण का युद्ध सामने नजर आता है, देवासुर संग्राम सामने नजर आता है, कौरव पांडवों की लड़ाई महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा नजर आता है। तो जो आदमी यज्ञ के आदमी हुआ कि नहीं झगड़ा, तो अंत में दुनिया में भी उसका कोई ना कोई निशान मिलता है। तो बाहर की दुनिया में भी हिरोशिमा नागासाकी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें हीरो की क्षमा भस्म हो गई थी। आदि में भी भस्म हुई थी,
तो अंत में भी क्या होगा? आज में तो अधूरे थे और अंत में अधूरे नहीं संपन्न बन जाएंगे। आज में राम वाली आत्मा फेल हो गई, अंत में फेल हो जाएगी। कोई तो जरूरी नहीं कि जो आज में फेल हो गया वो अंत में भी फेल हो जाएगा। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में दो हस्तियां रही, ऐसे ही भारतवर्ष के अंदर बाहर की दुनिया में भी दो हस्तियां उस समय मौजूद थी, सुभाष चंद्र बोस और उनके मुकाबले कौन? गांधी जी, एक गरम दल का और दूसरा नरम दल का। भारतवासियों ने देखा कि विजय किसके हाथ लगी? गांधी जी के हाथ। झूठी विजय हाथ लगी या सच्ची विजय हाथ लगी? झूठा राम राज्य स्थापन हुआ या सच्चा राम राज्य स्थापन हुआ? झूठा राम राज्य स्थापन हुआ। ब्राह्मणों की दुनिया का भी बेहद का गांधी है। दोनों अस्थियों में आदि में भी झगड़ा था, गरम दल नरम दल का, अंत में भी झगड़ा है। आदि में सुभाष चंद्र फेल हो गया, उनकी सारी सेना नेस्त नाबूद हो गई, फेल हो गई। क्या उनकी हिम्मत भी खलास हो गई थी? सुभाष चंद्र बोस और उनकी बनाई हुई सेना, आजाद हिंद फौज, जो नेस्त नाबूद हो गई, वो हिम्मत है बच्चे, मदद है खुदा के बच्चे थे या उनकी हिम्मत पस्त हो गई? क्या हुआ? अरे सुभाष चंद्र बोस मरते मरते मर गए, लेकिन मरते मरते उनकी हिम्मत पस्त हो गई या हिम्मत बनी रही? हिम्मत बनी रही। अंत मते सो गते, वही हिम्मत लेकर के वही आजाद हिंद फौज जो हिंदुस्तान को आजाद कराने वाली बनती है, विदेशियों के पंजे से छुड़ाने वाली बनती है, अभी फिर प्रत्यक्ष होने वाली है। वो है बाहर की दुनिया की और ये है ब्राह्मणों की दुनिया की आजाद हिंद फौज, जिसका नाम है एडवांस पार्टी। तो पता चला हत्या हुई, हत्या की गई है, की गई, लाश भी गुम कर दिया। मुरली में बोला उसकी लाश का भी पता नहीं चला, न हद के सुभाष चंद्र बोस का की लाश का पता चला और न बेहदिक का पता चला। ये सब किंवदंतियां चल रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, प्रत्यक्ष होंगे मरे नहीं हैं जिंदा हैं। और हाँ।
हाँ जी है गंगा सागर, गंगा सागर मेला ऐसा जब भी वो गुरु लोग गुरु एक एक राशि में प्रवेश करते हैं वो तो सागर मेला बन गई गंगा तो उसका बेहद देवताओं का गुरु माना जाता है बृहस्पति। उसकी दशा सबसे श्रेष्ठ दशा मानी जाती है। उसका नाम ही है बृहस्पति। जिसमें ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है जिसके ऊपर वो दशा बैठेगी उसके द्वारा संसार में नाम बाला होगा या नाम बदनाम होगा। नाम बाला होता है वो राशि ही ऐसी श्रेष्ठ है। बारह आत्माएं हैं माला में सूर्यवंशी जिनके नाम पर के बारह राशियों के नाम पड़े हैं। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब की कैटेगरी बारह राशियों में मापी गई है। अच्छी से अच्छी दशा वाले भी हैं और दशाएं बदलती भी रहती हैं। अच्छी दशाएं भी होती हैं और बुरे से बुरी राहु की दशा में भी आ जाते हैं। समाधान हो गया? श्री वायलिंग स्वामी कालास्त्री में सात कुंड में पूजा चेस्तार। सात कुंडों की पूजा होती है। हाँ तो वायलिंगेश्वर स्वामी बिकाती बाबा कालास्त्र में वायलिंगेश्वर स्वामी के साक कुंड में पूजा रहते है बाबा। अरे तुम्हारी भाषा वालों को तो पहले वाहिलिंग एक मूर्ति है बिना ताप के ताकने के बिना ही नहीं होता। नाम है उसका वाहिलिंग। लिंग लिंग नहीं है, लिंग लिंग है। वाहिलिंग है, लिंग है, लिंग है, लिंग है, लिंग है, लिंग है, लिंग है। उसका नाम है वाहिलिंग। कालहस्ती में एक लिंग है जिसका नाम है वाहिलिंग। तो बिना पूजा होता है पूजा करने के समय के टच नहीं करते उसको। उस लिंग को टच नहीं करते। हाँ ऐसे पूजा करते क्यों टच नहीं करते? सात कुंड की क्या बात बता रहे थे? वही हो वायुलिंग के बारे में। ज्योतिर्लिंग बोलते हैं ना, वायुलिंग है। वायुलिंग या वायुलिंग? वायु कहते हैं हवा को।
हवा तो देखने में नहीं आती है, क्या हवा देखने में आती है? नहीं। तो वो जो लिंग काम करता है, बड़े से बड़ा पार्ट बजाता है, शिव बाबा बड़े से बड़ा पार्ट बजाता है कि नहीं? पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या बिना कर्मेंद्रियों के बजाया जाता है? कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। उन कर्मेंद्रियों में शिव का लिंग ही गाया जाता है और देवताओं के सब इंद्रियां पूजी जाती हैं। कमल नयन कहेंगे, कमल हस्त कहेंगे, कमल पाद कहेंगे, कमल मुख कहेंगे, उनकी पूजा करेंगे, लेकिन शिव का लिंग ही पूजा जाता है। लेकिन जब वो महाकाल के रूप में पार्ट बजाता है, जिसकी यादगार श्री कालहस्ती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाता है, तो उसको कोई ने देखा नहीं है। क्या उस लिंग को पार्ट बजाते हुए कोई ने देखा नहीं है? हवा में सारी बातें उड़ती रहती हैं। जैसे अभी तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो ग्लानी उड़ाते हैं, उन्होंने कुछ आंखों से देखा है? उन्होंने कुछ आंखों से देखा है? देखा है? नहीं देखा है। फिर हवा में बातें उड़ा रहे हैं, क्या कहा जाए? अरे बातें जितनी भी उड़ रही हैं ग्लानी की, वो हवा में उड़ रही हैं या प्रैक्टिकल है? है हवा में उड़ रही, उसी की यादगार बनी हुई है वायुलिंग। नहीं, हवा का लिंग कैसे होगा? मिट्टी का लिंग तो बनाया जाता है, वो तो आंखों से देखने में आएगा। हवा का लिंग कैसे देखने में आएगा? वो यादगार आंध्रा में बनी हुई है। क्या कहाँ बनी हुई है? आंध्रा में है। लक्ष्मी का पाठ बजाने वाले सात नारायण के साथ सात लक्ष्मी। हाँ, जो सात लक्ष्मी वो विधर्मी है ना, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। तो लक्ष्मी भी आधार मूर्त है। हाँ, ब्रह्मा आधार मूर्त है, तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती आधार मूर्त नहीं है? वो भी तो सहयोगी है। हाँ जी, ये ही नहीं सुन पा रहे, हम तो मोबाइल सुनते सुनते बहरे हो गए। इनको सुनाओ। हाँ, क्या सुनो? ध्यान से। अरे हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, एस आई डबल डी एच आई सिद्धि। अच्छा, सिद्धि माने जैसे कहते हैं चावल सिद्ध कर लो,
तो चावल को पकाते हैं ना, तो जब पक जाता है तो कहते हैं सिद्ध हो गए। जो मुर्दा जलाने जाते हैं ना, तो वहां तांत्रिक जो होते हैं वो भूत प्रेतों को सिद्ध करने के लिए वहां चावल ले जाते हैं पकाने के लिए। वो वहां जाकर के चावल पकाते हैं जलती हुई मुर्दे की अग्नि में, फिर उसको कहते हैं ये चावल सिद्ध हो गए, पक गए। हाँ, तो कोई भी सफलता प्राप्त करने को कहते हैं सिद्ध होना। सफलता प्राप्त करना अर्थात सिद्ध होना, सिद्धि हो गई, प्रसिद्धि हो गई, ये दो शब्द हैं, सिद्धि और प्रसिद्धि। और शिव बाप परम धाम में होता है। हाँ, भक्ति मार्ग में क्यों, ज्ञान मार्ग में भी परम धाम में होता है। हम सारी मनुष्य पाप करके करते आए हैं, जानने वाला है हर आत्मा में अपने अपने संस्कार भरे हुए हैं। जो आत्मा जितनी सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाली है उतनी बुद्धि से अति तीक्ष्ण हो जाती है। क्या हमको जो बाबा ने पुरुषार्थ बताया है अपन को क्या समझो, सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा समझो। तो उस प्रैक्टिस में जो जितना आगे चला जाएगा, जो जितना अपने को सूक्ष्म स्टेज में टिका लेगा वो उतना ही बुद्धि का तीक्ष्ण बन जाएगा। और बुद्धि की तीक्ष्णता जो है वो इतनी तीव्र हो जाती है कि एक ही टाइम पर अनेकों की तरफ ध्यान दे सकती है। जैसे कोई बड़े कारखाने का मैनेजर होता है तो एक, लेकिन पूरे कारखाने के जितने भी काम करने वाले हैं सबको कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव जो है जब परमधाम में रहता है सुप्रीम सोल, तो उसे कुछ भी जानने की दरकार नहीं है। क्या हाँ, उसे सर्वज्ञ होने की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही सृष्टि पर आता है वो कोई न कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है, और मनुष्य तन में प्रवेश करके उस मनुष्य तन को संपन्न बनाने के प्रयास में वो आत्मा रहती है। और उसके साथ साथ तेरे बहाने सर्व का भला और आत्माओं का भी भला होता रहता है। तो जब संपन्न स्टेज का आखिर पुरुषार्थ करते करते कभी तो साकार की बनेगी ना, जब साकार की भी संपन्न स्टेज बनती है तो निराकार का कार्य समाप्त हो जाता है। उस समय वो निराकारी स्टेज वाली जो आत्मा है जो संपन्न स्टेज प्राप्त करती है वो सर्वज्ञ जैसी हो जाती है। हाँ जी, तो जब साकार भी सर्वज्ञ हो सकता है, वो तो पुरुषार्थ करके सर्वज्ञ होता है, और वो तो हमेशा, वो तो है ही हमेशा सर्वज्ञ, वो तो जन्म मरण के चक्र में
आता ही नहीं है। जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से वो भी जन्म मरण के चक्र में आता है। नहीं आता है तो यज्ञ के आदि में फेल कैसे हो गया? फेल हुआ माने अनिश्चय में आया। क्यों अनिश्चय में आया? क्योंकि शुरुआत में इतना ज्ञान था ही नहीं। कोई आत्माएं होती हैं ज्ञानी तू आत्माएं, और कोई आत्माएं होती हैं भावना वाली प्रेमी तू आत्माएं। ज्ञान पसंद नहीं करती उतना। क्या पसंद करती है? सच्चा प्यार उनको पसंद है, दिल वाली होती है। कोई बुद्धि वाली होती है तो भीमसेन का पेट बड़ा है तो उसे क्या चाहिए? अरे भीमसेन का पेट बड़ा है तो क्या चाहिए? बहुत ज्यादा भोजन चाहिए। अर्जुन का बुद्धि रूपी पेट बड़ा है तो उसे क्या चाहिए? उसे ज्ञान चाहिए। तो यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा बुद्धिवादी आत्मा है। उस बुद्धिवादी आत्मा को ज्ञान का डोज चाहिए था। उस समय संपूर्ण डोज नहीं था। सृष्टि के आदि मध्यंत का पूरा ज्ञान उस समय क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए वो आत्माएं टूट पड़ी। और उनके साथ साथ उनके जो फॉलोअर्स थे एडवांस पार्टी वाले वो सब टूट पड़े। भगवान ने आकर के ब्रह्मा के रूप में बच्चों को माँ का प्यार दिया। जो ज्ञानी आत्माएं नहीं थी लेकिन प्यार लेने की आदि है, जब तक प्यार मिलता रहेगा तब तक क्या करेंगी? हैं? जब तक उनको प्यार मिलता रहेगा तब तक तो ठीक, और जब उनको प्यार न मिले तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। ये चंद्रवंशी से लेकर के और आखिरी आर्य समाजियों तक भी ये सारे ही प्यार के परिंदे हैं। इन्हें कानून उतना नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए है? प्यार चाहिए। लेकिन कानून बगैर जो प्यार होता है वो सदा काल का स्थाई नहीं होता है। ज्ञान भी चाहिए और साथ साथ प्यार भी चाहिए। दोनों के बगैर माला रूपी संगठन नहीं बनेगा। जो माला बनती है ना, उसमें दो धागे इकट्ठे करके पिरोए जाते हैं। एक ज्ञान का सूत्र है, एक प्यार का सूत्र है। दोनों ही सूत्र का बैलेंस चाहिए, तब ही संगठन बनेगा। तीन मूर्तियां हैं। ब्रह्मा बाबा प्यार को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया, तो रिजल्ट क्या हुआ है? जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेर आ जाता है। ब्रह्मा बाबा बहुत मीठे बने रहे, बहुत प्यार ही प्यार देते रहे, तो रिजल्ट क्या हुआ? नुकसान पाया या फायदा हुआ? नुकसान हो गया। और शंकर जी,
जितना वो प्यार भरे उतना ही वो आकड़ के बैठे हुए हैं। ज्ञान ही ज्ञान, जैसे कि प्यार का नाम निशान नहीं तो सफल होते हैं क्या? नई दुनिया बनती है? नहीं बनती है। नई दुनिया कब बनती है? जब दोनों का बैलेंस होता है विष्णु में। वो विष्णु स्वरूप आत्मा प्यार को भी मानती है तो ज्ञान को भी मानती है, तब माला बनती है। शिव के मंदिर में शिव के साथ शालिग्राम दिखाए जाते हैं, जगदम्बा की मूर्ति साथ में नहीं दिखाते हैं। मंदिर के आसपास जो और देवताएं दिखाते हैं उन देवताओं के साथ जगदम्बा की भी मूर्ति दिखाते हैं। तो पहले देवताएं हैं, देवताएं देवताओं की औलाद होंगे या भगवान की औलाद होंगे? देवताएं? अरे हाथी की औलाद हाथी होगा, चींटी की औलाद चींटी होगा, सांप की औलाद सांप होगा। देवताएं किसकी औलाद है? देवता की औलाद है ना। तो जो देवताएं बैठे हैं चारों तरफ वो नीची कोटि है। क्या कहा? वो उतनी ऊंची पीढ़ी नहीं है। और जो बीच में अर्घा रखा हुआ है और शिवलिंग रखा हुआ है और जो शालिग्राम रखे हुए हैं उनको शिववंशी कहेंगे। किसके वंश के हैं? शिव निराकार, तो उसके वंशी भी निराकार। वो निराकारी स्टेज वाले हैं। उस निराकारी स्टेज में वो जगदम्बा भी शालिग्राम के रूप में पड़ी हुई है, वो भी निराकारी स्टेज में है। जो शालिग्राम है वो सब पुरुष हैं या स्त्री हैं? सब पुरुष हैं, सब शालिग्राम हैं, सब निराकार हैं। हाथ नाक कान मुख ये इंद्रियों की उनको अनुभूति नहीं है। इंद्रियों की अनुभूति से परे की स्टेज प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए जो बीच में शिवलिंग दिखाते हैं वो शिवलिंग है बाप और वो है सब बच्चे रचना। जगदम्बा भी रचना है या रचयिता है? वो भी रचना है। और सनत कुमार द्वारा सनातन धर्म शुरू हुआ, बाकी तीन लोग हैं उन लोगों से कौन सा धर्म? चार मुख्य धर्म बताए हैं,
देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, इन चार मुख्य धर्मों से चार और भी सहयोगी धर्म बनते हैं। मुख्य धर्म कितने हुए? चार। बाकी और जो धर्म है वो उन चार मुख्य धर्मों के ही छेड़े वेड़े हैं। वास्तव में वो कोई अलग नहीं है। तो जो चार मुख्य धर्म है उनके बीज दिखाए गए हैं सनातन, सनंदन, सनत कुमार। वो बाप हैं उन धर्मों के। बाप को बीज कहा जाता है। सनत कुमार है सनातन धर्म का बीज। और सनत, सनातन, सनंदन ये इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं। यज्ञ के आज में भी ये चार घोड़ों के रूप में दिखाए गए हैं। एडवांस के आज में भी सीढ़ी के चित्र में ऊपर चार दिखाए गए हैं कुमार। रामायण में भी राम के चार भाइयों के रूप में दिखाए गए हैं और ब्रह्मा के ये चार ही मानस पुत्र हैं। सारी सृष्टि ब्रह्मा की औलाद कही जाती है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण सो देवता ही ब्रह्मा की औलाद है क्या? जो कलयुग में ये दुनिया देखने में आ रही है, 500 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, 700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो ब्रह्मा की औलाद नहीं बनते हैं? बनते हैं कि नहीं बनते हैं? है? बनते हैं। सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना पड़ेगा। हाँ, ऊंची कुरी का ब्राह्मण बने या नीची कुरी का ब्राह्मण बने? ऊंची कुरी का ब्राह्मण बनेगा तो सूर्यवंशी पद पाएगा और नीची कुरी का ब्राह्मण बनेगा तो नास्तिक धर्म में भी जा सकता है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ, अब धीरे धीरे सब अलग अलग होते जा रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक में पहले सब एक बंधे हुए थे या नहीं थे? बाद में बेसिक वाले सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं या एक हैं? और शहरों की बात छोड़ दो, जिस शहर के लिए बाबा ने सबसे ज्यादा सेवा के लिए दबाव दिया, जहां राजधानी स्थापन होनी है, जो सेवा का बीज है, जहां सबसे जास्ती सेवा होनी है, वहां बेसिक वालों का क्या हाल है? हैं? जितने भी सेंटर्स हैं सब आपस में लड़ रहे हैं। इतने लड़ रहे हैं कि एक ठिकाना नहीं बना सके जहां सब इकट्ठे होके बैठ सके। बना सके? हैं? अरे जैसे माउंट आबू में ठिकाने बने हुए हैं बड़े बड़े, ऐसा कोई बड़ा ठिकाना बना सके दिल्ली में? अरे बोलते क्यों नहीं? हैं? नहीं बना सके। और एडवांस वालों ने दिल्ली में ठिकाना बना लिया।
क्या कारण है? बेसिक में आदि में एक धर्म एक राज्य एक सत्ता, धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में थी, बाद में बिखुड़ गए। ऐसे ही एडवांस में भी जब तक धर्म सत्ता राज सत्ता एक के हाथ में रहती है तब तक उत्थान होता है, जब धर्म सत्ता राज सत्ता अनेकों के हाथ में चली जाएगी तो विघटन हो जाता है। वहां भी विघटन हुआ तो एडवांस में भी सतो प्रधान सतो सामान्य अवस्था ही चलती रहेगी या रजो प्रधान तमो प्रधान स्टेज भी आएगी? है आएगी, जब तक धक्का न लगे तब तक कोई सुधरता नहीं है। बिनु भय हो इन प्रीति गुसाई, ये ड्रामा में नूद है। बेसिक में सब अलग अलग हो गए तो बाप ने आकर के फिर चुन चुन करके एक बनाए ना, अब ये फिर अलग अलग हो जाए। विस्तार हो रहा है तो अलग अलग होंगे, फिर लास्ट में फिर एक बनेगा, अंत में राज करेगा खालसा। ये कौन से धर्म का गायन है? सिख धर्म का गायन है। सिख धर्म वाले भी देवी को मानते हैं और हिंदू धर्म वाले भी देवी को मानते हैं। बेसिक में भी देवियों की मान्यता हुई, पूजा हुई, महलवाणियां अटाणियां बड़े बड़े बना करके दे दिए, फिर बाद में डूबी जा। ऐसे ही एडवांस में भी होता है। एडवांस में जितनी भी देवियां हैं उन देवियों में बड़ी सी बड़ी देवी जिसका बहुत मान मर्तबा दुनिया में हो जाता है उसका नाम क्या है? है शास्त्रों में एक अवतार का भी नाम दिया है, उसकी ये प्रसिद्धि है कि वो बढ़ता ही गया। हैं? मत्स्य अवतार, माछले का अवतार, मगरमच्छ का अवतार, पानी की जितनी मछलियां होती हैं सबको पेट में डाल करके बैठ जाता है। ऐसे ही अंत में ये देवी का अवतार प्रत्यक्ष होगा। दुनिया में जितने भी विधर्मी फैले हुए हैं, विधर्मियों की संख्या दुनिया में ज्यादा है या आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की संख्या ज्यादा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तो जैसे प्रायः लोप हो गए, आंखों से देखने में भी नहीं आते। जब पांडव गुप्त होते हैं तो आखिरी वर्ष में 13वें वर्ष में कौरवों को और यादवों को आंखों से देखने में भी आते हैं देखने में है? क्या वारंट निकल जाता है? एकदम लोप हो जाते हैं,
तब चलता है सिखों का गायन, राज करेगा खालसा। उनके यहाँ जो खालसा होते हैं उनका रूप क्या दिखाया जाता है, कोई ने देखा कि नहीं देखा, जाना कि नहीं जाना, कोई ने नहीं जाना, नहीं जाना तो जान लो, सिखों में भी साधु होते हैं, वो काले चोंगे वाले होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक काला चोंगा पहनते हैं, उनको कहते हैं खालसा। ये किसकी यादगार है? ये पुरुष रूप में ही क्यों होते हैं? क्रिश्चियंस में जैसे और जैनियों में जैसे साध्वियां होती हैं, क्रिश्चियंस में जैसे नंस होती हैं, ऐसे नंस और साध्वियों के रूप में क्यों नहीं होते? हिंदुओं में जैसे बाबाओं के साथ बाइयां होती हैं, ऐसे क्यों नहीं होती है? सब पुरुषों के रूप में ही क्यों दिखाते हैं? है? हाँ, वो सिख धर्म में से चुनी हुई ऐसी आत्माएं हैं जो रुद्रमाला के मणके हैं, उनके हाथ में सारा शासन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा उनके हाथ में शासन? है? अरे कोई नियम कानून है कि नहीं? ऐसे ही आ जाएगा? अरे हर बात का कोई नियम कानून होता है कि नहीं? अरे होता है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन्होंने जितना ज्यादा बलिदान दिया है वो आज ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? अरे बोलते क्या? नहीं बैठे हैं। तो जो ऊंची ऊंची गद्दियों पर अभी बैठे हुए हैं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं या सिखों की तादाद में से ज्यादा हैं? है? हिंदू मुसलमान तो देखने में आ रहे, फखरुद्दीन अली अहमद है, क्रिश्चियन भी देखने में आ रहे हैं, बाबा ने बोला है कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे, मुसलमान भी राष्ट्रपति बनकर बैठ गए। लेकिन अभी कौन बैठा है ऊंची गद्दी पर? है कौन बैठा है? मनमोहन सिंह सिख बैठा है ना, वो तो प्रधानमंत्री है। ऐसे ही वो एक है, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो हिंदुओं और मुसलमानों ने ज्यादा बलिदान दिए या सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए? स्वतंत्रता संग्राम के लिए ज्यादा बलिदान किसने दिए? है? हिंदू ने दिए, सिखों ने दिए। तो जिन्होंने ज्यादा बलिदान दिए हैं वो ऊंची गद्दी पर नहीं बैठेंगे? बोलो, बोलते का ही नहीं? अरे नियम कानून क्या कहता है? जिन्होंने तन की ताकत लगाई, खून की ताकत लगाई, जिन्होंने धन की ताकत लगाई, जिन्होंने जन की ताकत लगाई, कितने सिख बलिदान हुए हैं? हिंदू लोग तो फिर भी पीछे हट गए, मुसलमान पीछे हट गए, सिखों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, तो उनको प्राप्ति नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? अभी हुई है? नहीं हुई है, होगी। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी जितना जगदम्बा ने सहन किया है
इतना कोई और कन्या ने सहन किया है? विजय माला के कोई मणके ने इतना सहन किया है? किया है? नहीं किया है। तो नहीं किया है तो प्राप्ति भी नहीं होगी। जिसने सहन किया है, जिसने तन मन धन अर्पण किया है, तो उनको प्राप्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो होगी, तो राज करेगा खालसा, तो उसके राज में पलाओ क्या? पलना अच्छा लगता है या नहीं पलना अच्छा लगता है? अरे महाकाली के राज्य में पलना अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। माने महागौरी का राज्य नहीं चाहिए, लक्ष्मी दोनों चाहिए, इस हाथ में लड्डू इस हाथ में भी लड्डू। इसलिए ये ड्रामा बना हुआ है क्या? ये भी होगा कि सारी दुनिया में राज करेगा खालसा, सूर्यवंशियों के ऊपर राज्य नहीं करेगा, वो गुप्त हो जाएंगे क्या? जैसे नेपाल में नेपाल के राजा ने राज्य किया, अंतिम राजा ने नेपालियों के ऊपर राज्य किया या माओवादियों के ऊपर राज्य किया? अरे किसके ऊपर राज्य किया? नेपालियों के ऊपर राज्य किया? माओवादी गुप्त होकर रहे दक्षिण भारत में, कौन था वो डकैत? वीरप्पन है, वीरप्पन है। हम मर तो गए, बात तो सुनो पहले। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर राज्य किया या वीरप्पन के ऊपर राज्य किया है? राज्य किया, वीरप्पन के ऊपर राज्य नहीं किया, और सारा जीवन स्वतंत्र होकर के घूमता रहा। ऐसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आज, जैसे अमेरिका, दुनिया के कितने देशों के ऊपर राज्य कर रहा है, कंट्रोल कर लेता है, दाब के रख लेता है। कितने मुस्लिम देशों को अमेरिका ने दबोच लिया, दबोचा कि नहीं दबोचा? दबोचा। कौन बच गया? कौन बच गया जिसको नहीं दबोच सका? ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन क्या? उसको नहीं दबोच सका। उसका नाम क्या है? ओ शाम आ गई क्या? ओ शाम आ गई, ओ शाम आ, बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा जो कुछ तेरे पास तन मन धन जो कुछ भी है वो सब अर्पण कर दे क्या? जब तब सब कुछ ला करके अर्पण नहीं करेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं वो आतंकवादी है, हद का लादेन या बेहद का लादेन?
है? ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में कौन सा लादेन आतंकवादी है? हैं? देहब का लादेन वो ब्रह्मा कुमारियों से भी कहता है तुमने स्वतंत्र होकर के जितनी बड़ी बड़ी महलमानियां अटारियां बनाई है, जितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है करोड़ों का, क्या चोरी की है ना ब्रह्मा बाप की? वो सब ला के दे, जब तक ला के देगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या छोड़ देगा? हिसाब किताब लेगा नहीं है? लेगा। अब अभ्यतवाणी में बोला है ऐसा भी टाइम आवेगा जो सब टीचर्स को ट्रांसफर करेंगे। क्या बेसिक वाले जो भी बड़ी बड़ी टीचर्स हैं, जोनल इंचार्जेस बनी बैठी हैं, वो ट्रांसफर हो रही है? हैं कि जहां जम के बैंक बैलेंस बना के बैठ गई तो बैठ गई, हिलने वाली नहीं है। कहती है कौन है भगवान तो आकर के हमें हटाए, कहती है कि नहीं? कहती है, समझे बैठी है। बाबा क्या कहते, बाबा क्या कहते मुरलियों में? अरे बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है, छोड़ेगा नहीं।